आगे बढ़ेंगे, अगली खबर बता दें जहां वित्त विभाग ने भुगतान पर रोक लगा दी है। तो अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग को देखते हुए रोक लगाई है, ठेकेदार कर्मचारी और कई भुगतान प्रभावित होंगे, 25 करोड़ से ऊपर भुगतान के लिए अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग ने भुगतान पर रोक लगा दी है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग को देखते हुए ये रोक लगाई गई है, 25 करोड़ से ऊपर भुगतान के लिए अनुमति लेनी होगी। कर्मचारियों को 25 मार्च तक ट्रेजरी में बिल देना होगा, फिर विशेष अनुमति से बिल स्वीकार होंगे। एक सप्ताह तक सरकारी लेन देन प्रभावित रहेगा, बड़े खर्च के लिए विभागों को अनुमति लेनी होगी। तो भुगतान पर रोक लगा दी है वित्त विभाग ने, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग को देखते हुए ये रोक लगाई गई है और इससे कई भुगतान, ठेकेदार कर्मचारी के भुगतान प्रभावित होने वाले। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, वित्त विभाग ने भुगतान पर रोक लगा दी है, लेकिन इस रोक के कारण कई कर्मचारी और कई ठेकेदार के भुगतान प्रभावित होने वाले हैं। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों को नुकसान होने वाला है। जो जो उनकी सैलरी है वो 1 से 5 अप्रैल के बीच में हर महीने आ जाती है, यानी कि 1 से 5 तारीख के बीच में आ जाती है, लेकिन इस बार जो सैलरी है वो लेट हो सकती है। उसके पीछे का कारण है कि राज्य सरकार फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की तैयारी कर रही है, यानी कि जो साल भर का जो लेन देन है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए और सभी विभागों के जो लेखा और व्यय जो रिपोर्ट है, यानी कि जो उनके फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की जो रिपोर्ट है उसको तैयार करने में समय लगेगा। और इस बीच राज्य सरकार 5 से 6 दिन कोई लेन देन नहीं करना चाहती है और इसी के तहत यह आदेश जारी किया है वित्त विभाग ने। और ये बात साफ तौर पर कही है कि 25 करोड़ से अधिक का भुगतान ही होगा, यदि भुगतान किया भी जाता है तो संबंधित विभाग को वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। और इसके अलावा जो कई बड़े पेमेंट है उनका भुगतान रोक दिया जाएगा, यानी कि कई बड़े ठेकेदार हैं और कर्मचारियों के जो ट्रेवल अलाउंसेस है उनका भुगतान जो है वो फिलहाल रोक दिया जाएगा। 5 से 6 दिनों के बीच में ये ट्रेजरी पूरी तरीके से, जो भुगतान के लिए जानी जाती है वो पूरी तरीके से बंद की गई है, क्योंकि कोषालय की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस बीच में कर्मचारी भी कोई और भी बिल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस बीच में जो कई विभागों के जो रिपोर्ट्स आने वाले हैं उनका जो कोषालय की ओर से मिलान होना है उसमें समय लगेगा। इसलिए अभी फिलहाल 25 तारीख से लेकर 31 मार्च तक जो है वो फिलहाल रोक लगाई गई है। हालांकि एक बात और ये है कि कई जो बड़े पेमेंट्स हैं, जो बड़े ठेकेदारों के पेमेंट्स हैं, उसके लिए मुख्य सचिव के पास ये अनुमति रहेगी कि वो पेमेंट जो है वो रिलीज कर सकेंगे, कोषालय को निर्देश दे सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की जो सैलरी है 1 से 5 तारीख के बीच में आ जाती है, लेकिन उसमें जो है इस बार थोड़ी सी देरी हो सकती है, तो ये कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा धैर्य का समय रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है। ऐसे में सरकार को भी केंद्र के पास अपनी रिपोर्टें भेजनी होती है कि कितना अनुदान केंद्र सरकार की ओर से मिला गया है और राज्य सरकार ने कितना खर्च किया है। तो इन तमाम विषयों को लेकर जो है वो कोषालय 5 से 6 दिन लगातार जो है वो रिपोर्ट्स को मैच करेगा, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि विभागों की ओर से गड़बड़ी सामने आती है और पूरे साल का फिर से आंकड़ा जो है वो खर्च का मिलान करना पड़ता है। ऐसे में यही वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखते हुए कहा है कि बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरह से भुगतान पर रोक वित्त विभाग ने लगाई है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग को देखते हुए, तो कर्मचारियों को इसका कहीं ना कहीं नुकसान झेलने को मिलेगा। आप बने रहिए, आपके पास फिर लौट